डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, दिल्ली रोड स्थित सरस्वती लोक में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिकता के अनोखे रंग में रंगती जा रही है। यहाँ नवनिर्मित श्री जागेश्वर धाम मंदिर में अयोध्या की ही तर्ज पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में रोजाना ही प्रदेश की बड़ी हस्तियां पहुंचकर धर्म लाभ कमा रही हैं। शुक्रवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने श्री जागेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में भाग लिया। मंदिर का निर्माण कैंट विधायक अमित अग्रवाल व उनके परिजनों ने अपने माता पिता की प्रेरणा से अभिभूत होकर किया है। मंदिर को बनाने में 11 साल लगे हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का समय व दिन भी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी को ही रखा गया है। कुल मिलाकर 22 जनवरी को अयोध्या के साथ ही मेरठ के सरस्वती लोक में भी एक अलग ही अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। आज यानी शुक्रवार को श्री जागेश्वर धाम मंदिर में कुछ ऐसा धार्मिक वातावरण देखने में आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।